नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका ऑल इंडिया न्यूज़ 24 में। तो आज दोस्तों एक मरतबा फिर मैं अपने किसान भाइयों के बीच यहाँ खेतों में पहुँचा हूँ अभी। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो प्याज की फसल दोस्तों कुछ दिन पहले लगाई गई थी, इसकी अपडेट मैंने आपको दे दी थी। आज दोस्तों जो एक बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ मैं, वो है पानी को लेकर के। तो इसमें दोस्तों पहला पानी लगा दिया गया है, और उस पानी को लगाने का क्या सही तरीका है, कितने दिनों बाद ये लगाया जाता है, क्या इसका फ़ायदा है, वो सब अपडेट मैं आज आपको दोस्तों इस वीडियो में दूंगा। तो अगली वीडियो दोस्तों यहाँ पर इस फसल की और पानी की जो इसमें दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ एक मरतबा फिर मैं अपने किसान भाइयों के बीच खेतों में दोस्तों पहुँचा हूँ, और यहाँ पर दोस्तों ये जो फसल आप सामने देख रहे हैं इसको कुछ दिन पहले लगाया गया है, और अपडेट भी मैंने दे दी है। जब ये फसल लग रही थी दो अपडेट मैं दे चुका हूँ, तीन इसको लेकर के चौथी अपडेट है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कि मैं इसकी तमाम जानकारी आपको दे चुका हूँ, आज मैं जानकारी दूंगा केवल और केवल दोस्तों पानी को लेकर के। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर ये जो मेरे सामने है दोस्तों प्याज की फसल है, और ये अभी लगी है चार पाँच दिन पहले। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पानी दे दिया गया है, और इस पहले पानी को देने का दोस्तों ये सबसे बढ़िया और सबसे फ़ायदेमंद तरीका है, और इस फसल की दोस्तों जड़ भी बहुत जल्दी पड़ेगी फिर, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे किसान भाइयों ने जो पहला पानी दिया है वो दिया है दोस्तों चार या पाँच दिन बाद। थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिजली परेशान कर रही है, बिजली आ नहीं रही लगातार। तो हमारे किसान भाई दोस्तों रात के समय या फिर सुबह के समय जल्दी या फिर दोपहर को दोस्तों पानी देते हैं, सुबह के वक्त यहाँ पर दोस्तों बिजली नहीं आ रही। फिलहाल बिजली यहाँ पर परेशान कर रही है काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पर दोस्तों इस पहले पानी का जो फ़ायदा है वो ये है दोस्तों कि जब तक पहला पानी प्याज की फसल के अंदर आप नहीं देंगे तो ये फसल जो है दोस्तों ऊपर की तरफ उठेगी नहीं, ये नीचे ही बैठी रहेगी। तो जब दोस्तों इसके अंदर पहला पानी आ जाता है तब ये फसल जो है दोस्तों ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है, और इसकी जड़ भी बननी शुरू हो जाती है दोस्तों। क्योंकि जब इस फसल को लगाया जाता है दोस्तों तो ये सूखे खेत होते हैं, और जब तक इस फसल को पानी नहीं दिया जाएगा दोस्तों इसकी जड़ कैसे बनेगी, मजबूत कैसे होगी, और ऊपर की तरफ ये फसल कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये है पानी देने की जो खाल बनाई गई है, इसके अंदर दोस्तों पानी थोड़ा ज़्यादा खड़ा है। इस तरफ जो है दोस्तों क्यारे यहाँ पर बिल्कुल सही हमारे किसान भाइयों ने पानी दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमारे किसान भाइयों ने दोस्तों ज़्यादा दे दिया है पानी। देखिए तो मैं अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं दोस्तों कि थोड़ा संभल कर यहां पर पानी दे, ज़्यादा पानी भी ना दे, थोड़ा भी ना दे, मीडियम पानी दे, जो कि फसल को दोस्तों अक्सर दिया जाता है। तो जो पीछे की तरफ आप क्यारे देख रहे हैं दोस्तों उनके अंदर बिल्कुल सही पानी आया है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दे दिया हमारे किसान भाइयों ने पानी बीच में। उस तरफ भी देखिए यहाँ बीच साइड में दोस्तों ज़्यादा है, बीच में ठीक है, और उस तरफ भी थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा मैं देखिए दोस्तों जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सावधानी हमारे किसान भाइयों को बरतनी चाहिए, क्योंकि ये फसल अभी दोस्तों लगाई गई है। अगर ज़्यादा पानी आप इसके अंदर दे देते हैं दोस्तों तो फिर इसकी जड़ जो है वो बाहर निकल आएगी, अंदर नहीं जाएगी। तो थोड़ा आप यहाँ पर आराम से पानी दें, कोई जल्दबाजी ना करें। बेशक बिजली आ रही है नहीं आ रही है, बिजली आ जाएगी तब आप पानी दे लीजिए। तो दोस्तों इसका पहला पानी देने का जो फ़ायदा है वो यही है कि ये फसल जो है दोस्तों यहाँ पर जड़ पकड़ेगी, उसके बाद ये फसल जो है ऊपर की तरफ दोस्तों बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों इस क्यारे के अंदर हमारे किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा पानी दे दिया है। तो ये ना करें, मैं अपने किसान भाइयों से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना करें, आराम से पानी दें आप। और बीच में जो आगे कह रहे हैं दोस्तों वहाँ पर ठीक पानी दिया गया है, और यहाँ पर भी दोस्तों इस खाल के अंदर जो पानी वाली खाल है ये, इसके अंदर दोस्तों पानी खड़ा है। इसके अंदर भले ही दोस्तों बेशक पानी खड़ा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यारों के बीच दोस्तों जो ये क्यारे यहाँ पर लगाए गए हैं, जो फसल लगाई गई है प्याज की, उसके अंदर दोस्तों ज़्यादा पानी ना खड़ा हो, ये हमारे किसान भाइयों को दोस्तों अगली बार ध्यान रखना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को दोस्तों थोड़ा यहाँ पर यही समझाने का प्रयास करूँगा। हालांकि वो अनुभवी है, हो जाता है कभी कभार कि रात में अंधेरे में पानी दिया हो, दिखाई ना दिया होने की ज़्यादा पानी यहाँ पर लग गया है। तो इस बात का दोस्तों हमारे किसान भाई खास तौर से ख्याल रखें दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, थोड़ा मैं इस तरफ भी दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास आ जाए। तो यहाँ देखिए दोस्तों एक लंबा मैं खींच देता हूँ इस तरफ से वीडियो, यहाँ भी दोस्तों थोड़ा ज़्यादा पानी हमारे किसान भाइयों ने दे दिया है इस तरफ। तो थोड़ा यहाँ पर संभल के पानी देने की दोस्तों आवश्यकता है, जल्दबाजी ना करें, आराम से काम करें दोस्तों ताकि आपकी फसल भी अच्छी हो, पैदावार भी ज़्यादा हो। तो दोस्तों पहला पानी यहाँ पर दे दिया गया है जो कि ज़रूरी था, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दोस्तों,
इस प्याज की फसल को लगाने के बाद दोस्तों इसके अंदर सल्फर डाल दिया गया था साथ में ही, ताकि इसकी जड़ जो है थोड़ी और मजबूत हो और ये फसल दोस्तों हरी रहे। ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी वीडियो में कि सल्फर इसके अंदर क्यों डाला गया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये फसलवार जो ये फसल है जो फसल जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेकर के आए हमारे किसान भाइयों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों MSP हमारे किसान भाइयों को इस फसल से मिले। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये अपडेट पसंद आएगी। और ये पानी दोस्तों थोड़ा लेट हो गया, वैसे तो जो असल में पानी दोस्तों देते हैं वो फसल लगने के 1-2 दिन बाद देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बिजली परेशान कर रही है, इस वजह से थोड़ा हमारे किसान भाई यहाँ पर लेट हो गए और लेट दोस्तों उन्होंने 2-3 दिन यहाँ पानी दिया। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों। और हमारे किसान भाई यहाँ पर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात फसलों को लगा रहे हैं, दिन रात पैदावार को बढ़ाने के नए नए तरीके लगा रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं दोस्तों, इसको सराहें। और बहुत ही जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है दोस्तों ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।